अटल सेना द्वारा आज निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अटल सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीपी त्रिपाठी ने कहा कि अटल सेना एक सामाजिक संगठन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारों पर चलने वाली है और उनका ही काम करने वाली है। आज हमारा देश 2024 के चुनाव का उत्सव मना रहा है जो कि पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है। ये चुनाव देश को एक नई युग और नई दिशा में ले जाने वाला चुनाव है। बात समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश ने आलू प्याज टमाटर और गैस के दाम के लिए नहीं चुना था। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, इसलिए चुना था कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत का पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हो। ये छोटे मोटे मुद्दों पे पिछले 60-70 साल से विरोधी पार्टियों ने देश को उलझा के रखा, व्यक्तिगत इशू को क्रिएट करके रखा और उसके सामने राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व नहीं दिया और इसमें जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट करके राजनीति करते रहे। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो राष्ट्रीय सोच की जो है सरकार है, जिसका लक्ष्य है कि भारत को विश्व में महाशक्ति बनाना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अटल सेना देशवासियों को ये संदेश देना चाहती है कि आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों को महत्व ना देते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर वोटिंग करना है, नंबर वन। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अभी भी हमारे देश के अंदर आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के बावजूद भी 50-60% वोट होता है, जबकि निर्वाचन आयोग जो कि भारत सरकार के खर्चे पर जो है चुनाव व्यवस्था का संचालन करती है, 40% हमारा जो है धन अपव्यय हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है चुनाव की उसमें मतदाता सूची के आधार पे कितने जो है मतदाता हैं उसके आधार पे व्यवस्था सरकार करती है, निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन जब चुनाव परसेंटेज होता है वो 50%, 55%, 60%, तो ये 40% जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का खर्चा होता है वो किसकी जेब से जाता है? वो देशवासियों की जेब से जाता है। इसके लिए अटल संदेश ये है, सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। 2024 में जो है चुनाव के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोग मतदान दें, अपने अधिकार का प्रयोग करें और व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर वोट करें, जिससे कि हमारा देश आगे चल के विश्व की महाशक्ति बने। 2024 में कहां तक के आपका सहयोग रहेगा बीजेपी को? नहीं, हम तो 25 स्टेट में काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट भी आपको देंगे सभी 25 राज्यों में, चूंकि हम एक सामाजिक संगठन है।